वेलकम बैक नाज़रीन। आई टी शागिर्दा मुझे मौलाना खालिद साहब का सवाल चयो तो वे तो मजहबी अकीदा खौफ जो नतीजो वन ठीक है सजो मजहब बेस तो करे अकीदन ते रियासत के हलायण जे लाइ हिकड़ो मुकमल फार्मूला है त रियासत ऐं मज़हब पाण में लाज़िम ऐं मलज़ूम कीअं थिया इनखे कीअं तव्हां जस्टिफाई कंदव। ॿियो सुवालु आहे तव्हां पाण चयो त जहाद जा मुख़्तलिफ़ पहिरियों हथियार कलम या नेगोशिएशन सां बि जहाद करे सघिजे थो ख़ूबसूरत ख़्यालु माण्हुनि खे ॾेई ऐं आख़िरी जेको हथियार आहे उहो तलवार आहे पर सॼी तारीख़ उथलाए था ॾिसूं त थियो ई इस्तेमालु जहाद जे लाइ आख़िरी हथियार तलवार जे ज़ोर ते इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो छा चवंदव? पर तमाम सुठो सवाल है। इन गाल से मैं इतफाक नो क्या तो सिर्फ तलवार इस्तेमाल थी शुरू का वी अज तलिमन इल्म के फैलाया है कलम इस्तेमाल कियो अथों जुबान इस्तेमाल कई अथों तबलीग कई अथों पैगाम पहुँचाया अथों हुकुमरानन हो हथियार इस्तेमाल कयो आलिमन हो हथियार इस्तेमाल कयो इल्म वारो ए कलम वारो जिन नाजायजी कई जिन ज्यादती कई नाजायजी केर भी करे मुसलमान हुए हिंदू हुए सिख हुए यहूदी हुए नसारो हुए जो जुल्म करे उनकी मजम्मत करण घुर्जे सीधी गाल है जुल्म की हिमायत नथी करे सकजे असा ये नथा चाहूं तो जिन ये गलतियों कयूं ये असा हीरा हैं कतई तौर पर यह गाल कान्हे सभी आलमन के एक कतार में बिहारे सब बकरियों बूथ कारियों बटे गारियों उनके दई बटे उनके दई गारंट कम को हलो फैक्ट्स के तमाम डिनाई नथा करे सको इन वक्त भी आलिम अल्हम्दुलिल्लाह कम कन था इन वक्त भी आलिमन जो तमाम वो हिस्सो इन दहशतगर्दी की बरमला मजम्मत करे पो सजी दुनिया में हर दौर में अड़ा आलिम तहां के मिलंदा जिन अमन जो पैगाम दिनो जिन सलामती जो पैगाम दिनो मां उन्हन आलिमन की गाल कया तो जिन अमन ए सलामती की गाल कई है मां उन्हन आलिमन की गाल कया तो जिन दहशतगर्दी के रद्द कयो आए तालिबान माना दहशतगर्द वो तालिबान हिंदू तालिबान मुसलमान न या इस्तिलाह ठीक ना है तालिबान एक मुकद्दस इस्तिलाह है जेके बदनाम कयो पियो वने अरबी में तालिब चेबो आहे इल्म जे तालीम हासिल करण वाले के यो यानी वाणी जी जिहाद जे लफ्ज के बदनाम कयो तो वने तीए तालिबान के लफ्ज के बदनाम कयो तो वने मजहब असा के ह्यूमन वैल्यूज दिना है अख़लाक सेखारिया आहिनि। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा माके अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद बनाए मोकिलियो ऐं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक माके अल्लाह सी इन जे करे मोकिलियो आ त मां माण्हुनि जा अख़लाक ठीक कयां असां इन अमल खे वधाइण जे लाइ इन अमल जी तबलीग करण जे लाइ पंहिंजूं सलाहियतूं सर्फ़ करे रहिया। मुझे सवाल टिन्ही मेहमान का है तो मजहब में कौम परस्ती जायज़ा मजहब की वजह से कौम परस्त सिंध की कौम परस्ती के कड़ा नुकसान पौता है? जी पलीज साहब सब का पैं तवाब मजहब ए कौम परस्ती के लाजम मलजूम को समझा वो बी शी श आलमी सूरत हाल है कौम परस्ती के भी खिलाफ़ आया कौम की परस्तिश कर मसलन हिटलर जर्मन होजन हिटलर के जमाने में जिन दुनिया के तप पे चाड़ियो वरी कौम परस्त थी वन मुसलमान थी करे मुसलमान जो सब जगह बदमाशियों तिन की पोई लगी कर खिलाफ़ आया उन भी गुण गाया बदमाशियों कन मुल्क मारिन तबाह कन लख करोड़ मारिन छो तो मुसलमान आया या मुझी गाल गलत है कौम परस्ती की खिलाफ़ आया जो मतलब रुगो या तो असि सुठा आई पैसा खराब है या गलत है तेकर ये जुदा शन कौमन के पैं हक वठण जो हक है मजहब के बारे में एक फिक्र सारी दुनिया में आन मूँ आए उन शोबो जुदा है बुनियादी तरह उन तलक मानून के सुठा ख्याल पेश कर बाकी उनसण या दलील मज़ेदार कुरान ये चवे तो हुजूर जन ये फरमाय इत अब्राहम लिंकन ये फरमाय तेरे बुश जो हमलो सही थी पो वॉशिंगटन ये तेरे थी पो चवण के केर तो पुछे सा ते कहणी कबो के को जो रहणी रो न सुपरी हुजूर जन तो चई वह पर तभी करो बंगाल में थो
बंगाल में जो कत्ले आम थो जो कि लखे मानू मर्जी वे जो कि रेप्स थे तमें उलमाए कराम कें जे पासे वा हनन कातलन जलादन जे पासे वा या उन गरीब बगैलिन जे पासे वा आज हतियन इस्लाम में हाने ने बेगाला त इस्लाम आलमन पढ़वा आऊं फिके शागिर्द है न डियों देखा टी पढ़े न सिंध मदरसे शागिर्द है मौलवी साहिब दा शागिर्द है अरबी मुजो सब्जेक्ट है असि पढ़ाई अस मैट्रिक जो इम्तिहान दिनों असा जो सब्जेक्ट है असि कुरान पढ़ूँ था फारसी पढ़ूँ था असि अरबी के अदब जहा शागिर्द एडवांस शागिर्द आयू अरबी तारीख एडवांस शागिर्द आयू जैसे फलानी मदरसे में न पढ़ो फलानी में आसमान को किरी पो आऊँ ही तो पुछा उठ अखे में ऐसे सिज अखे में ऐसे आंग्र सही कबो आलमन सगर जो सिंध में किरदार छा कबायलियत इस्लाम में जायज है कबायलियत के खिलाफ इस्लाम आऊँ एतो ही हक रखा तो इस्लाम के पारा गाल करने जितो बो को आलम सजे पाकिस्तान हुजूर जन चाहे तो मुझे पंजे पेरन हेठा लतारियां तो कबायलियत के इंतकाम ने बेन गाल के अज औरतू कतल पी थन एकड़े आलम की वात में अखर निकतो है सब शादी जबरदस्ती सिंध में थन पे इनके अरबी में चबो कितमान हक हक के लिकाण का वो डो जो थे को तो सब आलम सिंध जहा हक के लिका वेठा हजार तकरू कन था गल गल पग रखो पुन धड़क 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 कें ये शादियों जो से इलीगल ये जिना में शामिल इन में लिखो पे जिना में शामिल राजी को जबरदस्ती शादी कंध हेठ कर हिं तो शादी कई वन ये शादी कड़े इस्लाम में जायजन ये सो मुआशरो तबाह पर फलाने ये चो ये अस पढ़ो यार अस न बुधाए हुजूर जन ये चो ये अस पढ़ो को हुजूर जन तन में बुझा छो अस पढ़ को किताब आई को खुदा खंड खुदा खौफ कर अस न चो तो चो अस तो उन चवण के बुद्धि तुम सभी सिंध के अंदर आऊँ तक दावत तो दिया अचो तो कमाली निज़ाम जो कत्य ही साम्राज्य साजिश अमेरिका की साजिश में उत्तर सिंध में औरतू न्याणी कुसन पैं अमेरिका सिंध पैं हवाले कर चाहे तो ये दहशतगर्द कराची में इन मरफत इन सिंध पैं हवाले कर छी है ये थूकरू वडेरा तन विकी छी उन बेबंदोबस्ती कन था दहशतगर्दी कन था तो जी अस बुख में दुख में उछगार में वेह में मशगूल हो असें सिंध से कब्जो कर तैलीम आधार में गुंडा वेठा बदमाश थर्ड रेट गदार वेठा जैसे घोड़े सा कन मे पढ़ ना दिन ये गदार भी यहाँ ड्यूटी पा दियन तो अमेरिका सिंध से कब्जो करे आऊँ तक इल्तमास तो करा तक अस बुझे फरमा कुरान अस पढ़ो करो तुम पढ़ो सवाल ही तुम मेहरबानी कर कितमार हक बंद करो गाल सिंध में जी थे तं खिलाफ मजम्मत कर जोड़ी के शादी में कबायली सिस्टम के खिलाफ गाल मे आज़ाद करा इस्लाम के नाफिज करो अदना फकीर भी तो